हिमाचल में आज से मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी व मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सैलानियों और प्रदेशवासियों से अपील की है कि खराब मौसम और बर्फबारी की चेतावनी के बीच बर्फबारी वाले इलाकों में अति उत्साह ना दिखाएं, ज्यादा बर्फबारी वाले इलाकों में जाने से बचें। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के दौरान बिजली, पानी और सड़क यातायात को सुचारू रखने के लिए संबंधित विभागों और जिला उपायुक्तों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हिमाचल में 15 से 18 साल आयु वर्ग के युवाओं के टीकाकरण में पहले दिन ही युवाओं में जोरदार उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। अभिभावकों और अध्यापकों से सीएम ने अपील की है कि युवा छात्रों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। के माध्यम से मेरा सभी जितने भी हमारे टूरिस्ट आए हैं वो सुरक्षित स्थान पर रहें। बर्फबारी की संभावना बहुत ज़्यादा है, इस तरह की प्रेडिक्शन है। ऐसी सूरत में हिमाचल आने में कोई परेशानी नहीं है, हिमाचल में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं, लेकिन ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां पर बर्फ गिरने के बाद रास्ते बंद हो जाएं और कोई अपने जीवन को संकट में डाल दें, ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आज हम वैसे पहले ही दिया है, अलर्ट पर पहले ही रखा हुआ है कि मौसम को देखते हुए जहाँ ऐसी संभावना है कि बर्फ ज़्यादा पड़ने वाली है, टूरिस्ट वहाँ पर जाना चाहते हैं या गए हुए हैं, उनको वहाँ से गए हुए हैं तो उनको सुरक्षित स्थान पर रखें, निकालने आने के लिए आग्रह करें। और उसके साथ वहाँ ऐसे स्थानों पर अगर टूरिस्ट जाना चाहता है तो उनको जाने से रोकें। PWD और सब लोगों को, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को, IPS डिपार्टमेंट को, तीनों डिपार्टमेंट को पहले कह दिया गया कि वो तैयारी रखें। मौसम के कारण अगर सड़क बंद होती तो सड़क जल्दी खुलनी चाहिए, रिस्टोर होनी चाहिए। अगर पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, प्रभावित होती है, तो वो रिस्टोर होनी चाहिए। और बिजली अगर प्रभावित होती तो बिजली भी रिस्टोर होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे खुद ही बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, 15 से 18 साल के, और जो हमारा लक्ष्य था उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके हमने पिछले कल एक दिन में टीकाकरण का ये अभियान जो है पूरा किया। ऐसी सूरत में मैंने विशेष तौर से पिछले कल भी आग्रह किया है, जो पेरेंट्स हैं वो सुनिश्चित करें कि 15 से 18 साल के जो भी बच्चे उनके हैं उनके लिए टीका लगाने के लिए जो नियरेस्ट उनका वैक्सीनेशन सेंटर है उस पर जाएं और जा करके बच्चों को टीका लगवाएं। और इसके साथ साथ में जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उन सभी से भी हमने आग्रह किया है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो 15 से 18 साल की आयु में हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर जो है वो टीकाकरण में प्रेरित करें और उसमें फैसिलिटेट भी करें, उनको मदद करें। थैंक यू।